एक चीज जो लगातार सुनी जाती है कि एसोसिएट टीम्स में, एसोसिएट क्रिकेट में हम अगर कहें कि फुल मेंबर्स के खिलाफ जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे मैचेस नहीं मिलते हैं, या ये बिल्कुल सच्चाई की बात है, इसमें कोई दोराय नहीं है। मोस्टली आईसीसी इवेंट्स पे ही एसोसिएट और फुल मेंबर्स के मैचेस होते हैं, क्योंकि जो उसके अलावा अगर कोई बायलैटरल सीरीज अफोर्ड कराना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर कभी कभी अगर वो चाहते भी हैं तो कहीं ना कहीं फुल मेंबर्स वाले जो कहीं किसी और एक्टिविटी में अपने बिजी होते हैं तो वो इधर वक्त नहीं दे पाते और कुछ अपने अपने हिसाब से देना ही नहीं चाहते। तो खैर ये अलग बात हो गई, लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि एसोसिएट टीम्स को हार्डली फुल मेंबर्स के खिलाफ कंसिस्टेंट बेसिस पे मैचेस खेलने को मिलते हैं। लेकिन इसका एक तोड़ जरूर है। जी हाँ, इसका एक तोड़ जरूर है। अगर आप एक अलग चश्मे से, अलग विजन से चीजें देखने की कोशिश करेंगे तो इसका एक बहुत अच्छा तोड़ है और उसका एग्जाम्पल भी दो एसोसिएट टीम्स ने सेट करके दिया है। और वो दो एसोसिएट टीम्स कौन सी हैं और क्या ये मोड है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से एक एसोसिएट टीम्स फुल मेंबर्स के खिलाफ कंसिस्टेंट बेसिस पे मैचेस खेल सकती है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये जो हमने कहा कि जिस तरीके से होती है कंप्लेंट कि हाँ बड़ा मुश्किल होता है करा पाना वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा सच में होता है, बिल्कुल होता है। फुल मेंबर से एसोसिएट टीम अपने घर में बायलैटरल सीरीज, बिल्कुल बायलैटरल सीरीज कराई तो आसान है ही नहीं है, जाए उनके वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं होता फुल मेंबर को एसोसिएट मेंबर की तरफ कि वो ध्यान दे। पर एक तरीका है जिससे वो भी खुश रहेंगे और आप लोगों को भी बहुत कुछ गेन होगा, एसोसिएट टीम्स को भी बहुत कुछ गेन होगा, और वो है सबसे परफेक्ट ए टीम को, अपने ए साइड को। जी हाँ, यानी कि हर टीम की जो ए साइड होती है, जो जिसमें 4 से 5 से 6 प्लेयर नेशनल टीम के होते हैं वहाँ पर, उनको या तो भेजा जाए, उनको बुलाया जाए। जी हाँ, एसोसिएट टीम उनको बुला सकती है या फिर उनके साथ खेलने के लिए उनके देश में जा सकती है। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट तरीका। और ये आइडिया आया कहाँ से है, बहुत सारे दौरे पहले भी हुए हैं ऐसे, और सबसे सफिशिएंट वे यही है कि इससे एसोसिएट टीमों को एक सीनियर प्लेयरों के साथ खेलने के लिए एक जो है एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और साथ साथ में वो जो एक एक जो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, आपको जरूरत नहीं है उस मौके की जब आप ए साइड को बुलाकर यहाँ पर जबरदस्त एक सीरीजेस करा सकते हैं, और वो भी रेगुलर इंटरवल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पर और आ जाती है कि जो फुल मेंबर्स की टीम है वो अपने एज, अपनी फुल जो मेन टीम है, इंटरनेशनल टीम है जो एफटीपी ऑलरेडी उनके इंक्लूड होती है, उनको अपनी टीम को भेजने से डेफिनेटली वो कतराती हुई नजर आती है, ये और आप सब जानते हैं। लेकिन ए साइड की अगर हम बात करें, या फिर उनकी अगर कोई और बड़ी टीम है तो उनकी बी साइड, और बड़ी टीम है तो उनकी सी साइड, ए बी सी, जितना आप ऊपर रैंक में प्ले टीम में जाते रहेंगे उतनी उनकी ए बी सी टीम निकल कर आती रहती है, तो आप ए या बी टीम के खिलाफ भी उनके खिलाफ मैचेस खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर इंटरनेशनल टीम के कई प्लेयर्स होते हैं। अब आपको हम एक रिसेंट एग्जांपल्स देते हैं, दो ऐसे ऐसे टीम्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही टारगेट किया, उनका उन्हें प्रॉफिट जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अभी आप दो टीमों की बात करें, बिल्कुल देखिए सबसे पहले मैं बात करूं अगर नेपाल की, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये टारगेट किया कि एक जिम्बाब्वे ए टीम को उन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया, अपने पूरी तरफ से कोशिश करी और आखिरकार वो कामयाब हुए कि जिम्बाब्वे ए को उन्होंने बुलाया। अब लगेगा कि आखिर कौन थे जिम्बाब्वे ए में, प्लेयर ही कहाँ थे, वो सब तो ऐसे ही थे बाकी, लेकिन आप गौर करिए तो अब ग्लोबल क्वालिफायर में एग्जैक्टली वही टीम खेलने वाली है जो वहाँ की 4, 5, 6 प्लेयर उस जिम्बाब्वे ए साइड में मौजूद थे। बिल्कुल, और जिम्बाब्वे ए साइड में जो भी प्लेयर्स आए थे नेपाल के खिलाफ खेलने के लिए, आप जरा एक बार जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज को उठा कर देखिए, वहां पर वो सब प्लेयर किसी ना किसी मैचेस में खेले थे अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि आप अगर ए साइड को टारगेट करें तो वहां पर ज्यादा आसानी होगी फुल मेंबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, 4-5 प्लेयर के साथ, तो बाकी कुछ अपने लोकल प्लेयर्स को भेजकर आपकी तरफ भेजें। वो 4-5 प्लेयर्स के खिलाफ भी अगर आपकी टीम की बॉलिंग अच्छी रही, उनको आपने अच्छे में रोका, उनके खिलाफ रन आपने मारे, तो बहुत ज्यादा गेन करने को मिलेगा और कंसिस्टेंट बेसिस पे। यानी आपने एक बार एक टीम को बुलाया और उसके एक साल बाद फिर ए टीम को बुला रहे, इससे क्या आप खुद ही सोचिए कि ऐसे कुछ फायदा होगा? कंसिस्टेंट बेसिस पे अलग अलग टीम्स के ए या बी टीम्स को आप बुला सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है जो बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है, बात कर रहा हूं मैं यहां पर नामीबिया टीम की। बिल्कुल, नामीबिया ने अभी कुछ टाइम पहले, जी हां आई थिंक लास्ट ईयर या इसी साल बिल्कुल जी हां इसी साल में उन्होंने आयरलैंड वॉल्व्स को अपने यहां बुलाया था, और वो सीरीज उन्होंने खेली, इतनी लंबी सीरीज थी और बहुत ही शानदार तरीके से नामीबिया ने उस सीरीज में अपनी बैटिंग की, बॉलिंग की, डिस्प्ले दिया, बहुत ही शानदार क्रिकेट का डिस्प्ले दिया। वहाँ पर उस आयरलैंड वॉल्व्स की टीम में 5 प्लेयर ऐसे मौजूद थे जो नेशनल साइड में पूरी तरीके से खेलते हैं और खेल भी चुके हैं। बिल्कुल, इतनी ज्यादा, और उसके बाद उन्होंने वो क्रिकेट, और नामीबिया वाकई में क्रिकेट करा रहा है लगातार, ये उनकी तारीफ करनी होगी। पर ये अगर आप इम्पॉर्टेंट फुल मेंबर साइड के साथ अगर आप सोचेंगे, यही टारगेट रखेंगे
कि हमें खाली फुल मेंबर से खेलना है, मेन टीम से खेलना है, तो आई एम सॉरी ऐसा कभी नहीं होगा। वो फिर वैसे ही होगा कि चार साल में एक बार, तीन साल में एक बार कभी भिड़ गए, जैसे स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ कभी हुआ था वो मैच 2018 में, उसके बाद हम देख ही रहे नहीं हो रहा। तो ऐसे नहीं, आप ए टीम के साथ रेगुलर और हाँ फुल मेंबर मना ही नहीं कर सकती ए टीम, क्योंकि ए टीम मोस्टली रेस्टिंग में ही होती है, और मोस्टली वो या तो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं या फिर जो चार पांच प्लेयर हैं वो टीम के साथ ज्वाइंट होते हैं और खेलते हैं। पर ए टीम जो होती है वो हमेशा तैयार रहती है कि अच्छा हम रेडी हैं, जब भी हमारे बोर्ड वाले कहेंगे हम दौरे के लिए तैयार हो जाएंगे, वो मना नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी डेली क्रिकेट हमेशा देता है और देगा। और इसमें कोई दोहराई भी नहीं, आप खुद देखिए एग्जांपल आपके सामने है, नामीबिया ने आयरन बॉब्स को बनाया, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है, उसके बाद अफगानिस्तान है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था और अब भी कहा था, अगर आपकी किसी प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं है, शायद एक बार ये सोच के देखिए कि आपके प्रपोजल में वो अप्रोच ना हो, वो अप्रोच आपको अपनी तरफ से कुछ बेहतर करने की जरूरत है, कुछ अलग अप्रोच लेके जाने की जरूरत है बोर्ड के सामने, डेफिनेटली उससे डिसएग्री करते हुए नजर नहीं आएंगे। नेपाल और जिम्बाब्वे एवं नामीबिया ने वो अभी रिसेंटली किया भी है, तो आप कहीं ना कहीं आयरलैंड है, उसके बाद जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड है, वो इंग्लैंड से बात कर सकता है, वो ऑलरेडी स्कॉटलैंड के प्लेयर्स वहां पे जाकर काफी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एन यहां पर यूएसए, बिल्कुल वेस्ट इंडीज के साथ उनकी बहुत अच्छी टाइप है, क्लोज नेशन है, डेफिनेटली वेस्ट इंडीज की ए या बी टीम को वो अपने अप्रोच कर सकते हैं ताकि उनके खिलाफ वो ज्यादा से ज्यादा वनडे गेम्स खेल सके। बिल्कुल, और ये अप्रोच से होता है कि आप कितना चाहते हैं, अगर आप यही सोचते हैं रास्ते बहुत सारे हैं लेकिन उसमें नोटिस नहीं किया जाएगा, वो कहेंगे इससे क्या होगा, हमें एक्सपोजर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें बहुत बहुत पैसा चाहिए। सच मुझ आप बुलाकर देखिए, आप स्टेप स्टेप लेंगे तभी वो बड़ी टीम आएगी, इससे कांटेक्ट बढ़ते हैं, जब एक साइड आपके यहाँ आना शुरू होती है तो इससे एक दरवाजा खुलता है, बातचीत का दरवाजा खुलता है, और फिर टीम फ्रिक्वेंटली कम, फिर एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा वहाँ जाना है, हाँ कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा टाइम दे दो यार, नेशनल टीम को मेन टीम को ये बोला जाएगा कि ठीक है यार एक दो पाँच छः दिन का टाइम दे दो, आप लोग चले जाओ जरा, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं हमारे वो लोग, ये हो जाएगा। अभी हमने ओमान को देखा था, ओमान ने मुंबई की टीम को बुलाया था, हमारी रणजी टीम वहाँ गई जी, बस हो गया, बुलाया खत्म, और उनके ख्वाब देखिए आप कि वर्ल्ड कप कराना है, हमें ये कराना है, हमें दूसरी टीम के लिए अरेंज करना है अपना स्टेडियम, इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं, लेकिन हमारी टीम को अब प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वो सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू खेलते हैं और बैठ जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो गई बात, लेकिन और अपनी टीम को बेहतर करना और बेहतर बनाना इसकी तरफ काम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और अगर आप आपका क्रिकेट बेहतर होगा, अगर आपकी क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होगी इस तरह से गेम्स खेल खेल के, तो डेफिनेटली कि आप मैचेस जो हैं अच्छा ऐसे इवेंट्स पे अच्छा करेंगे, आप बिग प्लेटफॉर्म पे अच्छा करेंगे, तो उसके साथ डेफिनेटली वो चीज़ें भी आएंगी जो आप कहते हैं एक्सपोजर और मनी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली चल के आएगी आपके पास। आप सोचिए अगर आप लगातार हारते रहेंगे, लगातार मैचेस में आईसीसी इवेंट पे डिसअपॉइंट करते रहेंगे, तो फिर कहाँ से होगा, फिर वो लंबा प्रोसेस चलता रहेगा आईसीसी इवेंट्स का, अभी खेलते रहिए खेलते रहिए खेलते रहिए और फिर कहीं ना कहीं डम हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं देखने बात जरूर हो जाती है। एक छोटी सी बात मैं बस बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं खत्म करता हूं, कि एक बात यहां पर है कि आज हम 2022 में आ गए, और अगर एसोसिएट क्रिकेट 2002 के हिसाब से अगर क्रिकेट खेलेगा कि मतलब हम फुल मेंबर के पे डिपेंड है, हम फुल मेंबर ही हमें चाहिए, इस तरीके से अगर अप्रोच रखिएगा कि वही ऑप्शन बहुत सारे हैं, फर्स्ट क्लास टीम है, ए साइड है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर ऐसे अप्रोच रखेगा कि साल में हमसे कर लो कर लो कर लो और क्रिकेट ही नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो ये बहुत ख़राब अप्रोच होगा, इससे बहुत नुकसान होता है एसोसिएट क्रिकेट। बिल्कुल, तो ये सोचने वाली बात है, काफ़ी हार्श बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रियल फैक्ट है, जो अगर 10 लोग भी समझ पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया, बातें पसंद आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिए, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप चलना चाहते हैं कि नहीं उस बात पे, ये इम्पॉर्टेंट है, कहना कि हम करेंगे 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 लेकिन करके दिखाना उस बात पे चलना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में।